हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा वादा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का रुख क्या होने वाला है। ये वीडियो क्या है? आज का मेरा विषय चर्चा है जल से वशीकरण। इस जल से वशीकरण कैसे करते हैं? यदि किसी महिला को अपने बस में करना चाहते हैं, किसी लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं, कोई लड़की आपसे बात नहीं करती है, आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यदि आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, या कोई लड़की को आप पसंद कर रखे हैं, उसको अपने बस में करना चाहते हैं, वो आपके बस में नहीं हो रही है, उसको पटाना चाहते हैं, उसको अपने प्यार के में पागल कर देना चाहते हैं, उसके लिए अपने लिए उसको दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या वो लड़की लड़की भी हो तो ये अपना कर सकता है। यदि लड़की किसी लड़के को दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता हो, उसे प्यार करना चाहता हो, और वो नहीं आपके बस में नहीं आ रही है, वो आपसे दूर जा रही है, आप करीब जा रहे हैं, आपसे दूर जा रही है, तो करना कुछ नहीं है। आप इसको चिंता मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा वादा है आपसे कि 100% नहीं, 110% वो लड़की आपके लिए पागल हो जाएगी, वो लड़का आपके लिए पागल हो जाएगा, वो स्त्री आपके लिए पागल हो जाएगी, और वो पुरुष आपके लिए पागल हो जाएगा, जिसको आप अपने बस में करने के लिए टोटका किए हैं। तो चलिए हम बताते हैं टोटका कब से करना है और कब करना है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को इस मंत्र को, गुरुवार के दिन इस टोटका को करना है, और इस टोटका को करते वक्त टाइम का खास ध्यान देना है। शाम के 7 बजे के से लेकर के 11 बजे तक इस टोटका को करना है। जल से वशीकरण करना है, जल से वशीकरण करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा जल लेना है छोटा सा शीशी में, और इस जल से वशीकरण कर देना है। चलिए हम बताते हैं इस जल से वशीकरण कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस तरह करेंगे। आपको तो हम बता ही दिए कि गुरुवार को करना है और शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में करना है, लेकिन कैसे करना है? एक छोटा सा शीशी लीजिएगा, और शीशी लेकर के करना क्या है, इस जल को उस शीशी में भर दीजिएगा। कहीं से ले लीजिएगा, कल से ले लीजिए, या कोई चापा कल से ले लीजिए, या कोई नदी तालाब से ले लीजिए, या कोई अच्छा खासा नदी है वहाँ से आप ले सकते हैं। जल में छल नहीं होता है, जल कहीं से ले सकते हैं। जल लेकर के उस जल को अभिमंत्रित करना है। कैसे करना है अभिमंत्रित? इस जल को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए इस जल को आप अपने दाहिने हाथ में रखिएगा, उस शीशी को और अपने मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा, और बंद करके एक मंत्र बोलना है जो 51 बार बोलना है। कितना बार बोलना है? 51 बार बोलना है। कौन सा मंत्र है आपका, चलिए हम बताते हैं। ओम कामख्या देवाय स्वाहा, ओम लड़की, ओम लड़की, उसके बाद लड़की का नाम रखना है, या लड़का हो उसका नाम रखना है, पटन पटानी स्वाहा। इस मंत्र को बोलने के बाद 51 बार मंत्र बोलिएगा, और मंत्र बोल करके इस जल को अपने बिस्तर के तकिए के नीचे दबा दीजिएगा, और शुक्रवार के दिन जिससे आप अपना मोहब्बत करना चाहते हैं, जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, उस लड़की या वो लड़का के करीब जा करके करना कुछ नहीं है, उस बोतल को सिर्फ स्पर्श करा देना है उस लड़की के शरीर से या लड़के के शरीर से, चाहे वो आपका काम है, कैसे कीजिएगा, का कीजिएगा, स्पर्श करते ही आप चमत्कार देखिएगा कि वो लड़की सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद आपकी पीछे पीछे आएगी, और आपसे बात करना चाहेगी, और आपसे बात करके अपना प्यार का इजहार करना चाहेगी, और आपको अपना दिल के अंदर आपको जगह दे देगी, और आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेगी। तो मेरे प्यार पर भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।